ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक अमेरिकन रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव, एंटरप्रेन्योर और एक एक्टर, ड्वेन माइकल कार्टर जूनियर के बारे में। और लोग उन्हें प्रोफेशनली लिल वेन के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1982 में लुसियाना के न्यू ऑर्लियंस में हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं उनके रैपिंग करियर की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1995 में की थी, जब उनकी उम्र 12 साल हुई थी। और उसी दौरान उनकी मुलाकात बर्डमैन से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कैश मनी रिकॉर्ड्स को ज्वाइन किया और वो पूरे लेवल में सबसे यंगेस्ट मेंबर थे। जिसके बाद उन्होंने एज अ डुओ एक सदर्न हिप हॉप ग्रुप हॉट बॉयज को ज्वाइन किया, जिसके बाद 1997 में उन्होंने एज अ डुओ अपनी पहली एल्बम गेट इट हाउ यू लिव रिलीज की। और उसी साल ये ग्रुप और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया जब उन्होंने अपनी प्लैटिनम सेलिंग एल्बम गरेला वॉरफेयर रिलीज की थी 1999 में। और कई सालों तक कैश मनी रिकॉर्ड्स के लेवल के लिल वेन सबसे लाजवाब आर्टिस्ट थे, लेकिन जून 2018 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं उनके सोलो करियर की, तो उन्होंने अपने सोलो करियर की शुरुआत 1999 में की थी अपनी एल्बम द ब्लॉक इज हॉट के साथ। और इस एल्बम को RIAA की तरफ से प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी दिया गया था। जिसके बाद सन 2000 में उन्होंने अपनी एल्बम लाइट्स आउट और सन 2002 में 500 डिग्रीज रिलीज की थी। और इन दोनों एल्बम को RIAA की तरफ से गोल्डन सर्टिफिकेशन दिया गया था, जिसकी वजह से लिल वेन लोगों के बीच और साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। जिसके बाद सन 2004 में जब उन्होंने अपनी एल्बम द कार्टर रिलीज की, तो उन्हें इस एल्बम पे काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और इसी वजह से उसके अगले साल ही सन 2005 में उन्होंने इसी एल्बम का सेकंड वर्जन रिलीज किया द कार्टर 2 के नाम से। और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ मिक्स टेप्स और कोलेबोरेशन भी रिलीज की थी सन 2006 और 2007 में। लेकिन वो और भी ज्यादा पॉपुलर हुए अपनी एल्बम द कार्टर 3 की मदद से, जो कि उन्होंने सन 2008 में रिलीज की थी। और ये उनके करियर की छठी एल्बम थी। और तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उनकी ये एल्बम आज तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एल्बम है, क्योंकि इसके रिलीज के पहले हफ्ते में ही इसकी 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज यूनाइटेड स्टेट्स में बेची गई थी। और तो और इस एल्बम को इसके सिंगल लॉलीपॉप, अ मिली और गॉट मनी के लिए और तो और बेस्ट रैप एल्बम की कैटेगरी के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। द कार्टर 3 की सक्सेस के बाद वेन ने डिसाइड किया कि वो एक रॉक एस्क्यू एल्बम भी रिकॉर्ड करेंगे, जिसका नाम उन्होंने रिवर्स रखा। और ये एल्बम उन्होंने सन 2010 में रिलीज की थी और इस एल्बम को भी RIAA की तरफ से गोल्डन सर्टिफिकेशन दिया गया था। भले ही क्रिटिक्स ने इस एल्बम को नेगेटिव रिस्पांस दिया था, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस एल्बम को काफी अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन मार्च सन 2010 में उन्हें 8 महीने तक जेल की सजा मिली जब वो न्यूयॉर्क में थे, क्योंकि जुलाई सन 2007 में उनके ऊपर वेपन स्ट्रीमिंग का एक केस था। लेकिन वापस आने के बाद सन 2010 में ही उन्होंने अपनी 8वीं स्टूडियो एल्बम आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग रिलीज की। और इसके जस्ट बाद ही सन 2011 में उन्होंने द कार्टर 4 रिलीज की। और इस एल्बम की रिलीज के पहले ही हफ्ते में 964,000 कॉपीज यूनाइटेड स्टेट्स में बेची गई थी। और फाइनली सन 2012 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया, जब वो पहले ऐसे मेल आर्टिस्ट बने जिन्होंने एल्विस प्रेस्ली को पीछे छोड़ते हुए बिलबोर्ड हॉट 100 की चार्ट में सबसे ज्यादा एंट्रीज पाई 109 गानों के साथ, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके बाद सन 2018 में उन्होंने अपनी 12वीं एल्बम कार्टर 5 के नाम से रिलीज की। और इस एल्बम की रिलीज के पहले हफ्ते में 480,000 यूनिट्स बेची गई थी। और तो और इस एल्बम को प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी दिया गया था। और अगर मैं आपसे बात करूं लिल वेन के पूरे करियर की, तो आज तक वो दुनिया भर में 120 मिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स बेच चुके हैं। और बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में वो 15 मिलियन एल्बम्स और 37 मिलियन डिजिटल ट्रैक्स बेच चुके हैं, जिस वजह से वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाते हैं। और तो और इस समय वो अपने खुद के लेबल यंग मनी एंटरटेनमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO भी है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।